देखिए भाई साहब हम अपनी बात आए बाई नहीं घुमा के सीधी बात बोलते हैं हम हो गए प्रो प्लेयर मान लो हमारी बात अरे मान लो ना मेरे बाप खैर हमेशा प्रो प्लेयर होने की मैं एक्टिंग करता हूँ और उससे मन न तो सेटिंग भी करता हूँ तो भाई साहब स्वागत है आप सभी का बजमी है की विदाउट सबसे खतरनाक वाले गेम प्ले में आज का शुद्ध सवाल कैसे आए जिंदा है या निपट गए खैर देखो यार भाई साहब तुम्हारा भाई खेल रहा सिंपल वाला ही रेंगल रीजन आपको पता ही होगा उसमें तुम्हारा भाई बहुत तगड़ा मारता है लौंडो को आई हमारी बैन हो सकती है और अगर हमारी आई बैन हुई तो आप लोग हमको दो नंबर का आदमी समझोगे और फिर हमारा नाम खराब होगा तो ये कहीं ना कहीं मेरे फ्यूचर के लिए मेरे भविष्य के लिए खतरनाक है खैर अभी हम जा रहे हैं लेटरिंग बेस तो यार भाई साहब हम लैंड करने वाले हैं नीचे तीन चार लौंडे लैंड कर गए हैं तो हम जाएंगे इधर साइड पहले तो भाई साहब हम लैंड कर गए हैं तो चलिए धंधा शुरू करते हैं तो देखो यार भाई साहब हम इस समय टावर चढ़े सामने एक बोट दिख गया हमने एक बोट ऑलरेडी मार रखा है चलो खैर हमारे समाज के दो व्यक्ति कम हो गए अब अभी देखना भाई साहब इनको लूटने दो चार लोंडे आएंगे सालो हम पेटी बना के हम नहीं लूटने गए कहे कि साला हम स्ट्रेटजी लगा रहे थे इनको देख रहे भाई साहब ये ओपन में देखो कैसे भागते जा चलो एक तो आधा हो गया ये भी याद हो गया देखा भाई हाई स्किल बजमियाई वाले हमारी तारीफ करे करे हाई स्किल है आपके पास स्किल बहुत ज्यादा है हमारे पास मतलब कि तारीफ करे करे सर आप क्या मारते हैं लहरा लहरा के लूनो को मार रहे खैर यार गाइस देखो तुम्हारा भाई है मल्टी टैलेंटेड भाई सब लूडो को घसीट के लपेट के लहरा के हर तरीके से मारते हैं भाई पुनवासी वाली रात में सूरज निकलने से पहले पैदा हो गए थे ना अब हम तारीख नहीं बताएंगे नहीं तो सब हैप्पी बर्थडे बोल देंगे हमको बर्थडे में यार हमारा घाटा हो जाता है सलाह गिफ्ट उफ्ट के लिए कोई जिक्र नहीं लेकिन पार्टी के लिए दुनिया भर के इंसान बोलेगा खैर यार अभी आपको लग रहा होगा भाई का कुछ खो गया क्या कैसे ढूंढ रहा है ऊपर ऊपर नीचे उपर नीचे कुछ खो नहीं गया भाई साहब हमको ऐसा फील हो गया किसी ने फ्लेयर चलाई है अब यार देखो हम गाड़ी घोड़ा लेके आते हैं को बुलाने तभी देखते हैं हमारे एक नंबर को कोई तो अब रिवाइव नहीं करेंगे भाई साहब उसको इग्नोर करो आप वो सब अनवांटेड चीजें भाई साहब अगर रिवाइव कर दिए ना तो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो जाएगी इंग्लिश समझ पा रहे हो ना मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब आत्म सम्मान भाई वैसे तो यार भाई साहब तीन चार लाउंड फुटस्टेप आ रहा है एक का भविष्य खराब कर दिया है अब देखो बाकी को हम थोड़े स्ट्रेटर्जी लगा के मारेंगे थोड़ा फिपरों वाली फीलिंग आए वैसे अगर चाहे तो जाके सामने से मार सकते हैं लेकिन उधर वो मजा नहीं आएगा ना देखो यार दो लुंगडे नॉक कर दिए हमने अभी एक दो और बचे होंगे आई थिंक इससे पहले की सला रिवाइव हो चल के रस कर देते हैं भाई अरे भाई भाग रहे भाग रहे लास्ट वाला भाग रहे लगता है निपट गए देखा भाई ऐसा कांक नीचे मार भरने से भाई सब जमीन खरबोट लिए अब यार देखो तुम्हारा भाई आ गया रोजोहो पहाड़ी पे कह कि यार यहाँ पर कुछ लौंडो की हमको बग्गी दिखी थी आप देखो हम यहाँ पर लेडिया भाई साहब को कैसे तलते है मारो भाई मारो मार मार साले को मार अब एक भी किल नहीं आया भाई दोनों पे गाड़ी चढ़ाई मैंने चलो कोई बात नहीं सह लेंगे भाई साहब कुछ पाने के लिए ना त्याग और बलिदान दोनों अति आवश्यक है इसलिए भाई साहब बलिदान देंगे तो हमारे टीममेट और त्यागेंगे हम अपने टीममेट को मरे हुए टीममेट को हम त्यागेंगे अब तो साला सक्सेस लोड पोट के आएगा भाई हमारे पास अबे यार देखो भाई साहब सामने कुछ लौंडे इधर उधर भाग रहे हैं अबे भाग क्यों रहे हो बे? चरस की तस्करी थोड़ी कर रहे हो गाइस यार सामने दो स्क्वाड का आपस में लफड़ा हो गया और यार तुम्हारे भाई ने एक लौंडे से पर्सनल लफड़ा ले लिया ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है भाई साहब बिना डिस्काउंट के लफड़ा हुआ है हमारा उसका साले की बड़ी कमजोर स्क्वाड थी बे नौक होने के बाद तुरंत फिनिश हो गया मतलब पूरे लौंडे इसके पिल गए अभी देखो यार भाई साहब ताजी ताजी फाइट हुई मतलब दो चार लौंडे नॉक पड़े होंगे तो अपन आए हैं उसमें उंगली करने सहालो को जीने नहीं देना भाई साहब अबे दोनों की ला जा भाई एक ही आया यार एक को तो हमारे टीममेट ने नहीं चाप दिया अब भाई साहब देखो सामने वाला जो ब्रिज दिख रहा है ना इस ब्रिज को कुछ लौंडे कैंप कर रहे हैं पता नहीं भाई साहब की ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी घर में मम्मी की दवाई खत्म हो गई थी क्या चलो एक नौ एक और बच्चा है भाई साहब वो गीली सूट पहना है पड़ी पड़ी ओ भैया अरे लग जा बे नाक हो जा हमारे क्या भाई किल झेल दिस एक नंबर साला चतरो वाला भाई किल झेल दिस यार हमारा अब यार देखो बंदे ढूंढते ढूंढते हम आ जाते इधर हमको भाई साहब इधर एक बंदा फील हुआ है देखो लेटा हुआ है बे बंदा किधर है बे भाई लोहा पड़ा है यार इधर तो सॉरी गाइस यार लौंडा उधर नहीं इधर है राहुल को चाप दिस हमने उसको चाप दिया इसको भी पूरा मारूंगा ऑप्शन नहीं है ना भाई अभी यार देखो तुम्हारे भाई को फील हो रहा है लौंडा इसके अंदर है भाई साहब इस बार एकदम सही सही फील हो रहा है दो दो मूली कर देते हैं साला निपट जाएगा उसी में नहीं है क्या बे इसमें नहीं भाई ये वाले काल कोठरी में है हमको पता चल गये इसमें है इसके अंदर है साले को इसी में जला भूंजा के बगल में गंगा में बहा देंगे तो यार देखो भाई साहब पूरे रेंगल में अभी तक इतना सरवाइव कर लिए लेकिन साला कहीं भी नॉक तक नहीं हुए एक भी बार बिजती नहीं हुई लेकिन साला आके लास्ट में साला यहाँ पर हमारी दो बार लगातार बिजीती हो गई बस भाई साहब इसी बात पर हमको गुस्सा आ रहा है कौन है कौन फायर कर रहा है यहाँ से कोई फायर कर रहा तेरी बहन भाई हेट लगा भाई हेट लगा हेट लगा लो भाई किचन डिनर अबे आ, आ गया आ गया भाई यार ग्यारह किल किए अब मूर्ति बनाने का अवसर ही नहीं मिला हमको तो अब हम सोम दत्त की चुंदैया कैसे तनवाए खैर गाय उसका भी प्रावधान है हमारे पास भाई साहब हमने लगा दिया दूसरा मैच देखो यार इसमें काफी सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको हमको ध्यान रखना होगा एक तो साल हमको इसमें लास्ट तक सर्वाइव करना होगा दूसरी बात किचन डिनर करना होगा तीसरी बात हाइएस्ट किल करना होगा चौथी बात भाई साहब एम आना होगा पांचवी बात भाई साहब वो खंबा हमको खड़ा करना है यह तो बड़ी भयानक जिम्मेदारी है भाई चलिए खैर भाई सब झेल लेंगे अभी हम आ गए रज तो चलिए धंधा शुरू करते हैं देखिए यार भाई साहब अभी हम खेल ले अपने रैंडम टीममेट के साथ और यार हमको इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कंफ्यूजन ये है भाई साहब की लगता है हमारा या तो माइक गिलिच हो गया या तो ये लोग बोल नहीं रहे और इसी चक्कर में तुम्हारे भाई ने गेम मेरे स्टार्ट कर दिया और अब भाई साहब पता चल रहा है यही साले घुरमुहे है लगता है इधर कहीं लफड़ा हो गया अभी तू कहा भाग रहा रह जा अब भाई रुक जा भाई 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 रिलोडी लग गई अरे तेरी बहन का कहा भाग रहे हो इधर होना वाना गया क्या चलो खैर भाई साहब एक किल तो आ गया वो वाला किल तो साला चार नंबर झेल दिया होगा यार इधर भी कुछ लोडे भाग रहे भाई साहब भगदड़ का है मची है हम मैदान में उतर है इसीलिए है अबे वाकई में भाई, भाई भगदड़ मची भे सब लोडे भाग रहे इधर उधर हॉट 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 लास्ट वाला बच्चा भाई लास्ट वाला तीन नॉक किया भाई तीन नॉक है सुन रहे हो ना गाइस तीन नॉक है तीन बंदे मैंने नॉक किए हैं अब देखो हम क्लच करने जा रहे हैं हमको तो लगा नूह चल के ट्रोल करते लौंडा हमको ही रोल करने में लगा था देखा गाइस तुम्हारे भाई ने क्लच कर दिए भाई पूरे चार लौंडे मारे किल पर मत जाओ भाई हमने क्लच किया है सुन रहे हो ना हेलो गाइस मेरी आवाज़ आ रही है हेलो 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 माइक टेस्टिंग मेरी आवाज आ रही भाई साहब मैंने क्लच किया है सुन रहे हो ना भाई साहब ऐसी परिस्थिति में माइक नहीं बिगड़नी चाहिए कुछ भी हो जाए एक महत्वपूर्ण तो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे भाई साहब अभी हमारा देश खतरे में आ जाता तो खैर गाइस हम वहां से निकल लिए जा रहे कहीं और घबराओ नहीं यार तुम्हारी ससुरारी नहीं जा रहे हमारे टीममेट को, को कोई ढकेल दिया गाड़ी से भाई साहब मुंह भरा घास पड़ा बेचारे का बाल पकड़ के जलेबी छान दिए अभी यार हमारे पास एक ही टीममेट बचा है वो भी हमारा पता नहीं सहयोग कर पाए या ना कर पाए जिंदा है या मुर्द पता नहीं समझ नहीं आ रहा है चल के इसको बचा लेते हैं क्योंकि यार एक लौंडे से हम ज्यादा उम्मीद नहीं सकते भाई साहब इसको ही बचा लेते हैं अबे तू काहे उतर गया बे लगता है ये भी पेला जाएगा हमें यार भाई साहब डपोरोपोर आया है यार चलो इनको रिवाइव करके फटाफट निकलते हैं बे यार चार नंबर छोड़ो यार भाई साहब हम स्ट्रेटजी लगा के इनको देखो कैसे बचाते हैं आप लोग बस हमारी टेंशन लीजिए क्योंकि यार हमारी भी कोई गारंटी है नहीं बच गए तो ठीक है नहीं तो भाई साहब ठीक-ठाक है लो इनको कौन स्ट्रैटर्जी दे के बेचता है भाई साहब सीधा थर्ड पार्टी करने आते हो भाई तुम लोग घर वालों ने संस्कार नहीं दिया है कोई इधर कुछ कर रहा है अकेले में तुम उसको आके बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो देख रहे हो ऐसे नजर गड़ा के ये सारी बैड मैनर्स है ऐसे नहीं करते यार चार नंबर तो हमको शुद्ध बोट लग रहा है भाई साहब ये दो बार कैसे हुआ नई तीन नंबर को तो पूरा बबर दिए बेचारे को उसको बचाने आए थे चार नंबर हमको लगा तू कवर देगा साले हरामी में कवर बनवा दिया तो उन्हें उसकी भाई यार इधर से लौंडा आ रहा है यार कोई कनौक्ट कर दिया भाई कनौक्ट कर दिया जल्दी से हीलिंग कर भाई तू कवर में गाड़ी के कवर में आ नहीं भाई यार चार नंबर तुम बहुत मस्त खेलते हो यार मैंने तुम्हारा एक बार गेम प्ले देखा था यार लेटरिंग बेस में एक्सपेक्टेड कर रहा था मैं नॉक पड़े थे लेकिन फिर भी बहुत मस्त खेल रहे थे चलो रिवाइव कर दो तो हमसे तारीफ होना थोड़ा मुश्किल है तारीफ की उम्मीद कम रखा करो हमसे अरे थोड़ा इधर उधर हो जा थोड़ा चेंज कर देगा तेरा वो अब भाई साहब देखो हमारा मुद्दा थोड़ा बदल गया ठीक है इनको मारने का जो हमारा प्लान था वो थोड़ा कैंसिल करते हैं देखते हैं यहाँ से बचना कैसे है देखो यार मारपीट तो होती रहती है लेकिन अब मारपीट में उतना मजा नहीं आता बहुत दिन से हम बचे नहीं है कहीं से तो आज हम यहाँ से आपको बच के दिखाएंगे तो आप लोग थोड़ा कमर कस के बैठिए बूम देखा नहीं, नहीं 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 थोड़ा पेशेंस रखिए इतने में आपको नहीं डरना है भाई अभी आप अभी तो आपने ट्रेलर भी नहीं देखा टीजर ये अब आपको हम पिक्चर दिखाते हैं भाई भाई, भाई 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 चार नंबर मुझे देख ले तू तू मुझे देख ले भाई पहले मार देगा वो देख लेगा साले में तेरे को नाम क्या है डॉग मिट्रोन देखा ये थोड़ा थोड़ा हमसे मित्रता करना चाह रहा है अपने नाम में ही मित्र जोड़ दिया मित्रों भाई साहब इसने अभी हमारा साहस देखा है ना दस एच में भी हमने थोपड़ा निकाल के स्प्रे दिया है तो मतलब की कुछ तो रिस्पेक्ट हमारे आगे इसकी बढ़ गई होगी नहीं 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 गाइज गलती से जान मिस्टेक हो गई इसके आगे हमारी बढ़ गई होगी शायद से डर भी गया हो और हो सकता है मारे भी ना अभी लेकिन मैं तो मारूंगा भाई साहब मुझे शर्म नहीं आ रही पिघलना नहीं है भाई पिघलने का नहीं कभी चार नंबर वाकई में तो चदरोड़ी वाला है क्या साले अभी तक मूली क्या घर ले जाने के लिए रखा था मूली किया तो किया उस पर गई भी नहीं होगी खुद नौक हो गया ये बनेंगे हम दर्द हमारे इनकी वजह से भाई साहब हमारा देश तरक्की नहीं कर पा रहे तुम्हें पता है थो, थोड़ी बहुत कमियाँ मेरी भी है कि मैं इन जैसों पर ध्यान नहीं देता हूं इनको सुधारने के लिए खैर छोड़िए भाई साहब आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना और भाई साहब रॉयल घी रॉयल पास चल रहा है तो सभी लोग फटाफट से जाके पार्टिसिपेट करो और गाइस जो भी डेली रॉयल पास का विनर होता है उसको मैं इंस्टा स्टोरी लगाता हूँ तो आप कैन चेक तो गाइस पार्टिसिपेट कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ देखो आप लोग को सिंपल से गूगल पे जाके सर्च करना है तपोस मोबाइल डॉट इन इसको आप सर्च करेंगे तो आपके सामने सबसे ऊपर जो वेबसाइट आएगी उसको ओपन करना है ओपन होने के बाद कुछ इस तरह दिखेगी थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको रीड मोर का ऑप्शन दिखेगा उस पर आपको टैप करना है टैप करने के बाद आपको नीचे थोड़ा और स्क्रॉल करना है नीचे

कमेंट किया करो ठीक है तो यार अगर आप लोग मेरे से बात करना चाहते हो या मेरे साथ खेलना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दिए हुए हैं तो किसी एक को ज्वाइन कर लो आप लोग आगे क्या करना है मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ही बताऊंगा तो फटाफट से सभी लोग ज्वाइन कर लो जो जो मेरे से बात करना चाहते हो या मेरे साथ खेलना चाहते हो तो थोड़ा सा मोटिवेशन थोड़ा सा ज्ञान लेके जाओ देखो यार गले में मंगल सूत्र देखकर हिम्मत मत हारा करो क्यूँकी यार कभी कभी लाइसेंस वाले हथियार भी चोरी हो जाते हैं